महज 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में रांची के रहने वाले पंकज कुमार ने पिछले 5 मई की शाम को इंडियन हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर कंचनजंगा पर तिरंगा फहराकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पंकज से पहले उत्तराखंड के एक पर्वतारोही ने 22 वर्ष की उम्र में और नोएडा के एक पर्वतारोही ने 24 साल की उम्र में वर्ष 2018 में कंचनजंगा पर तिरंगा फहराया था। कंचनजंगा पर चढ़ाई के लिए पंकज और उनकी टीम को लगभग 1 महीने का समय लग गया। हाल ही में मेरी एक उपलब्धि हुई है, मैंने माउंट कंचनजंगा क्लाइम किया है जिसकी हाइट 8,586 मीटर है। कंचनजंगा पर तिरंगा फहराने से पहले भी पंकज ने कई ऊंची चोटियों पर फतह हासिल किया है। पंकज ने हिमालयन रेंज की सरस्वती सीमा की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक पीक पर भी तिरंगा फहराया है। 19 में मैं माउंट फ्रेंडशिप क्लाइम किया था, उसके बाद मैंने हिमालयस की सरस्वती रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक पीक पे क्लाइम किया, फिर लास्ट ईयर मैंने माउंट देव टिब्बा और माउंट सतोपन क्लाइम किया। पंकज की सफलता से उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। इनका कहना है कि सामान्य परिवार से होने के बावजूद उन्होंने तन मन और धन से पंकज का सपोर्ट किया और बेटे ने भी उन्हें गर्व करने का मौका दिया है। झारखंड के लिए और हिंदुस्तान के लिए नाम को रोशन किया, और हम दूसरे अभिभावक को भी बोलते हैं कि नहीं वो अपने भी बच्चे को चांस दें। मैंने बहुत परिवार वाले बहुत सपोर्ट किए हैं, हम लोग सब फैमिली ज्वाइंट हैं, तीनों भाई एक जगह रहते हैं, मैंने अलग अलग रहते हैं लेकिन हम लोग का बिजनेस एक में चलता है, सारा परिवार ही सपोर्ट हम लोग बच्चे को करते हैं। 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कंचनजंगा पर तिरंगा फहरा चुके पंकज कुमार ने अभी से ही अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया है। इनका कहना है कि आने वाले समय में वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाएंगे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।